So hello and a very good morning to all of you. This is me, Rahul Bhardwaj, and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So this is our daily current affair news analysis that we do on daily basis. Please let me know that I'm audible, everything is fine, so that we can start the session here. Am I audible? Yeah, very good morning to all. So let's get started, and this is the daily current affair jahan pe hum news jo hai cover kar rahe hain from the important sources like Hindu, Indian Express and all. So dekhte hain aaj jo kya important hamare paas mein इस तरह से हैं. बिफोर वी मूव लेट मी ब्रीफ यू अबाउट दिस योजना मैगजीन. ये जो आपकी जनवरी की योजना मैगजीन है, इसकी समरी है. दैट इज़ अगेन आज आपका जो स्पेशल क्लास है, जो फ्री क्लास होता है, वहाँ पे होगी. टाइमिंग इज़ टुडे 5 PM. ओके, आज शाम को 5 बजे आपका रहेगा. इसी तरह से अगर कुछ टॉपिक हमारे बच रहे हैं, वी विल कंटिन्यू दोज टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लास एट 7 PM. तो ये आपकी बैक टू बैक क्लासें हैं जहाँ पे हम पूरी मैगजीन को कवर कर देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना मैगजीन. कैसे ज्वाइन करना है, ये फ्री क्लास है. आई विल शेयर द लिंक. यहाँ पे आपको लिंक क्लास का शेयर हो जाएगा. आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करना है. अनअकैडमी ऐप पे आपको जाना है, दैट्स ऑल. ओके, इफ़ इट रिक्वायर्स द कोड, यू कैन पुट दिस कोड एज वेल. इस कोड को आप मैंशन कर सकते हो, दैट इज़ RB Live. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा टू गेट एक्सेस टू दिस फ्री क्लासेस. लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड दिस इज़ द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द न्यू बैच कोर्सेज. जो भी बच्चे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीकेंड बैच भी है और इस तरह से फुल टाइम बैचेस भी हैं. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर UPSC. ओके, विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेज हैं एक्सेस हो जाते हैं. What is the way to go for the subscription? Description box में आपको subscription का link मिलेगा, वहाँ पर अपनी category choose करनी है. Okay? After this you will have to choose the plan, कौन से plan के लिए आप जा रहे हो. Then you need to put this code RB Live to get 10% discount. तो ये आपका 10% से reduce हो जाएगा amount. And when you are using this RB Live, okay, you can get this personalized guidance. You can personally ओके, इस तरह से आप गाइडेंस ले सकते हैं. सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक, जहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच अलॉट हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे. इसका जो प्राइस हाइक है 31st, मतलब आज के बाद से आपका हाइक हो सकता है यहाँ पे. सो यू कैन गो फॉर दिस. दिस इज़ अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं और ये आपके सब्सक्रिप्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. GS Paper 2 पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे. आज आपके साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, बट काफ़ी सारी न्यूज़ वही रिपीट हो रही है. ओके, अगर आप देखोगे अगर हिंदू के अंदर जो साइंस एंड टेक पेज है, वहाँ पे वही गूगल वाला इशू है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. ग्रीन टैक्स की बात हो रही है, जो अभी हमने एक दो दिन पहले ही डिस्कस किया है. चलिए, जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं हम लेंगे, कवर करेंगे. पॉलिटी की बात करते हैं. पॉलिटी, सो हियर द न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड. अगर आप देखोगे, दिस इज़ द फ्रंट पेज हेडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस का है ये आपका न्यूज़ है, दैट इज़ इन द हिंदू. तो ये आपको क्या बात कह रहा है, CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने ये लिखा है गवर्नमेंट को, और हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है. ओके, आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज हैं, उनको क्या किया जा रहा था, एलिविएट किया जा रहा था परमानेंट जज के रूप में. तो उसको यहाँ पे इस तरह से रोका गया है. ओके, रोका गया है. और CJI ने गवर्नमेंट को लिखा है टू विदड्रॉइंग द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम्स रिकमेंडेशन टू अपॉइंट द जस्टिस गनेडी वाला एन एडिशनल जज एज ए परमानेंट जज. ओके, क्यों इनको रोका गया, क्योंकि इनके कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे. ये जो अप्रूवल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि एडिशनल जज हैं आपके बॉम्बे हाई कोर्ट में, हम इनको परमानेंट जज के रूप में आपका अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब एलिवेशन आपका उनका हो रहा है. द थिंक इज दैट क्यों इस डिसीजन को रोक दिया गया, क्या रीज़न रहा, और ये कॉलेजियम का प्रोसेस क्या होता है, कैसे जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होते हैं, क्या पूरा इशू है, इसको समझते हैं. तो ये जो आपका GS Paper 2 पॉलिटी के अंदर है, दैट इज़ द इश्यूज़ रिलेटेड टू जुडिशरी. ओके, जुडिशरी एंड रिलेटेड इश्यूज़.
तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों लिया, क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने विदहोल्ड कर दिया प्रमोशन को। ओके, ये जो प्रमोशन किया जा रहा था, एडिशनल से आप परमानेंट बना रहे थे, तो ये प्रमोशन को क्यों विदहोल्ड किया, रीज़न यहाँ पे दिया जा रहा है कि कुछ कॉन्ट्रावर्शियल डिसीजन इन्होंने दिए पॉक्सो एक्ट के अंदर। ओके, पॉक्सो एक्ट जो है माइनर्स के अगेंस्ट में जो भी सेक्सुअल असल्ट या जो भी इस तरह के केसेस हैं उनको डील कर रहा है, तो वहाँ पे ये डिसीजन दिया। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जिस पे काफ़ी कॉन्ट्रावर्सी भी हुई थी, फाइन, तो ये जो डिसीजन था उसके अंदर उन्होंने कहा कि होल्डिंग हैंड्स विद ए 5-year-old गर्ल अनजिपिंग द ट्राउजर्स डिड नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल असल्ट। मतलब ये सेक्सुअल असल्ट नहीं है, ये नहीं है तो फिर क्या होगा। सो इस तरह का डिसीजन दिया और एक तरह से मतलब काफ़ी इसका प्रोटेस्ट हुआ, और हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि इस तरह के जो डिसीजन है वो डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेंगे। ओके, दिस इज़ नॉट गुड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। आपको याद होगा हमने एक राखी ऑर्डर डिस्कस किया था महाराष्ट्र हाई कोर्ट का, डू यू रिमेंबर दैट राखी ऑर्डर, जहाँ पे जो नॉट महाराष्ट्र हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से था आई थिंक, मतलब हाईकोर्ट का वो जो ऑर्डर था वहाँ पे ये ऑर्डर दिया जिसके ऊपर इस तरह से एलिगेशन थे। ओके, जो परपिट्रेटर था जिस पे एलिगेशन थे रिगार्डिंग द ओके असॉल्ट एंड ऑल। ओके, तो उसको ये कहा गया कि ये जो जो परपिट्रेटर है ये घर पे जाए, किसके, विक्टिम के घर पे जाए और इस तरह से राखी बांधे एंड ऑल। सो व्हाट इज़ दिस, आप जस्टिस के लिए जा रहे हो या फिर आप वहाँ पे इस तरह से टॉर्चर हो रहे हो। ओके, इमेजिन द ट्रॉमा द विक्टिम वुड हैव गोन थ्रू अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता। तो इसी तरह का ये ऑर्डर है, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया कि अगर आप ये सेक्सुअल असल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। फाइन, इसी तरह से एक और ऑर्डर था जहाँ पे ये कहा गया दैट ओके ग्रोपिंग ए माइनर ओवर हर क्लोज डज नॉट अमाउंट टू द सेक्सुअल असल्ट अंडर दिस पॉक्सो एक्ट। ओके, सो ये डिसीजन काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे और इसकी वजह से जुडिशरी के अंदर भी एक रिफ्ट क्रिएट हुआ। जुडिशरी ने भी देखा दैट मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू प्रमोट दैट कैंडिडेट। फाइन, तो यहाँ पे जो पूरा इशू है ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट जो हो रहा है जजेस का कैसे हो रहा है, चाहे वो जज आपके हाईकोर्ट के अंदर हैं, चाहे वो जज आपके ओके सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्या प्रोसीजर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस हैं, क्या इससे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी है। ओके, क्या अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या उसमें रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं है। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन विच द यूपीएससी जनरली आस्क द क्वेश्चन। इसको देखते हैं, तो देखिए अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है जनरली क्या होता है, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या जो हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड आपके जो जजेस हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में हैं या हाई कोर्ट के अंदर हैं, ओके, उनको अपॉइंट करने के लिए ये चीफ जस्टिस, ओके, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस। चीफ जस्टिस को भी आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया। ठीक है, अगर आप चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हैं तो जो भी कंसल्टेशन जिन भी जजेस से करना है वो आप करेंगे, लेकिन अगर दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वहाँ पे चीफ जस्टिस से जो कंसल्टेशन है वो क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। अब यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है कंसल्टेशन। ओके, आप देखोगे यहाँ पे कंसल्टेशन, दिस कंसल्टेशन, तो ये कंसल्टेशन जो वर्ड है इसी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी है कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है। क्या कंसल्टेशन का ये मतलब है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग हो गया कि प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करके ही अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर जो जजेस ने आपका रिकमेंडेशन दिया है उसको फॉलो करने के लिए प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के ऊपर कंपल्शन है कि आपको ये जो आपको बताया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है, उसी को फॉलो करना है। गेटिंग दिस, प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। तो क्या प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे, तो ये कंसल्टेशन के अंदर जो भी रिकमेंडेशन दिया गया, मान लीजिए ए पर्सन को आप जज जो है अपॉइंट कर दीजिए, ये कहा गया प्रेसिडेंट को, तो क्या प्रेसिडेंट के ऊपर ये कंपल्शन है कि आपको हाँ ये फॉलो करना ही है। ओके, तो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या निकला जाए। तो ये बार बार केस गया सुप्रीम कोर्ट के, वेरियस इंटरप्रिटेशंस रहे कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। तो इसमें तीन आपको केसेस याद रखने हैं, जो फर्स्ट जजेस केस है, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के
कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, वैसे ये स्टैटिक पोर्शन है आपका, स्टैटिक पार्ट में ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, लेकिन किस तरह से जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उससे आपको रिलेट करना है। फाइन, इसे हम देखते हैं। फर्स्ट जजेस जो केस है उसमें क्या कहा गया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, फाइन, एंड ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ द व्यूज। इसका मतलब हो गया कि अगर आप कंसल्टेशन कर रहे हो, मतलब जो ग्रुप ऑफ जो भी जजेस का जो भी ग्रुप है, ओके, चाहे आप उसे कॉलेजियम कहिए, कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट अभी नहीं रहेगा, तो जो जो भी आपको सजेशन दिया जा रहा है, रिकमेंडेशन दिया जा रहा है, उसको फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, कंकरेंस मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही डिसीजन जो है चेंज कर दिया गया 93 में, और ये कहा गया कि कंसल्टेशन जो मतलब है, इसका मतलब है कंकरेंस, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रख दी गई कि चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस, मतलब कंसल्टेशन में अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से पूछ रहे हैं तो चीफ जस्टिस जो एडवाइस दे रहे हैं वो आपकी एडवाइस कंसल्टेशन के बाद होनी चाहिए, कंसल्टिंग टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। तो अगर ये कंसल्टेशन चीफ जस्टिस इस तरह से करके एडवाइस दे रहे हैं तो फाइन है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, आपको फॉलो करना कंपल्शन हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1998 में, जो थर्ड जजेस केस आया। ओके, यहाँ से आपका कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट इस तरह से हाईलाइट हो गया। थर्ड जजेस केस ने क्या कहा कि कंसल्टेशन प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, मतलब उन्होंने कहा कि अकेले जो चीफ जस्टिस हैं उनका ओपिनियन मैटर नहीं रखता है। अगर कंसल्टेशन प्रेसिडेंट ने किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिना कंसल्टेशन के ओपिनियन दे दिया, मतलब अपना अकेले का ओपिनियन दे दिया, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको फॉलो करने के लिए मतलब उनके लिए वो कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी कब हो जाएगा, जब वो इस तरह से प्लूरलिटी ऑफ जजेस के साथ में कंसल्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें ये कहा गया कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इस तरह से अगर आपको कहीं पे अपॉइंट करना है जो भी जजेस हैं, तो उसके अंदर आप चीफ जस्टिस जो हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ में कंसल्ट करेंगे, और ये प्रोसीजर रखा गया, और इसमें कहा गया अगर 2 जजेस ने भी मना कर दिया तो फिर उस रिकमेंडेशन को नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के पास में, ओके, या प्रेसिडेंट के पास। तो ये ड्यू प्रोसेस बता दिया। ओके, इसे हम कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम, ये ड्यू प्रोसेस हो गया। अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है तो फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो भी कंसल्टेशन प्रोसेस है वो अगर इस प्रोसेस को प्रॉपर प्रोसेस के साथ जा रहा है तो वहाँ पे कंपल्शन है प्रेसिडेंट को उसको ओके कंकरेंस करने के लिए। द कोर्ट हेल्ड दैट रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग, ओके, विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस, जो अभी हमने डिस्कस किया है कॉलेजियम वाला, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ये क्या होंगी, बाइंडिंग नहीं होंगी गवर्नमेंट पे, ये बाइंडिंग नहीं है। गेटिंग दिस, तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट आया जो कॉलेजियम का हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से आया है। इसी को रिफॉर्म करने की बात की गई। ओके, क्यों बात की गई, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑपेक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जुडिशरी जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करती है हर जगह पे, बट द वेरी प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज अंडर दिस कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ। तो ये ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे हैं, पूरा सिस्टम ओपेक है, पता नहीं किस बेसिस पे रिकमेंडेशन जा रहा है, क्या हो रहा है अंदर, किस बेसिस पे आप किसको एलिवेट कर रहे हो, क्या ये केस मेरिट के बेसिस पे है, क्या यहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा है, ओके, फेवरेटिज्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, वी डू नॉट नो। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केस बना कि इसको रिफॉर्म किया जाए, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को रिफॉर्म किया जाए, जिससे क्या होगा, एक तो ये गवर्नेंस इंप्रूव होगा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, करप्शन रिलेटेड चीज़ें उनको डील किया जा सकता है, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म इनको कम किया जा सकता है। एक और यहाँ पे ये हुआ कि इससे क्या होगा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ओके, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो जो वैकेंसीज है जुडिशरी में उनको फिल किया जा सकता है। ओके, तो इसके लिए आपका ये लाया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ओके, और आपने क्या किया, NJAC को बनाया, एक बॉडी आपने बना दी जिसे कहा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब ये अपॉइंट करेगा, ठीक है, ये पहले क्या था आपका कॉलेजियम सिस्टम था, इस तरह से हो रहा था जो थर्ड जजेस केस में बात की, अब यही जाके आपका चेंज हो गया NJAC पे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, और ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ। अब ये जो NJAC है ये डिसाइड करेगा, ओके, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस यहाँ पे कहा गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, लॉ मिनिस्टर एटसेट्रा, मतलब एग्जीक्यूटिव का भी इन्वॉल्वमेंट था,
तो जुडिशरी ने कहा कि यार हमारा जो इंडिपेंडेंस है दैट इज़ वेरी फंडामेंटल क्विंटेसेंशियल, ओके, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो पूरा सिस्टम कॉलेप्स हो जाएगा। तो जुडिशरी ने क्या कहा कि हमारा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, किससे, इससे, आपका ये जो एनजेएससी का प्रोविजन है। तो जुडिशरी ने कहा इंडिपेंडेंस हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दैट इज इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका क्या है, इंडिया का सेकुलरिज्म नेचर, ओके, वेलफेयर स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर में जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। उसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको करार दे दिया, तो ये फिर आपका एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो हालांकि डिमांड अभी भी ये उठ रही है कि हाँ यार कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। However, that collegium system became operative again. ठीक है, आपका collegium system वापस से operative इस तरह से हो गया है। So, you got this idea कि क्या किस तरह से मतलब appointment हो रहा है और present जो controversy है regarding this कि अभी ये जो appointment रोका गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज़ द न्यूज़ रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर, ओके, तो ये जो पॉलिटिका पोर्शन है इसे आप लिंक कर दीजिएगा। गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उससे रिलेट करना है, क्या बात हो रही है। दिस इज़ ऑन द फ्रंट पेज, हिंदू के फ्रंट पेज पे है। ये कह रहे हैं कि हमने RTI लगाई और हमने ये पता किया कि यूपी का जो ऑर्डिनेंस है, ओके, जो रिलीजियस कन्वर्जन को रोक रहा है, एंटी कन्वर्जन की, ओके, फोर्स्ड कन्वर्जन की जो बात हो रही है उसको चेक करने की बात कर रहा है। तो ये जो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं, अनलॉफुल या जो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन है उनको रोकने की बात कर रहा है, उस ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। तो RTI लगाने पे हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसने कहा कि हमें ये पता चला कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय के पास अभी तक ये आया ही नहीं है अप्रूवल, और जो भी बात हो रही है, तो इसे एक बार देखते हैं। ये इस तरह से नवंबर में पास किया गया था, ओके, नवंबर में पास किया गया था। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास में कुछ प्रोविजंस हैं जिन्हें आपको समझना होगा। द फर्स्ट वन, दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 213, ओके, आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 213 की बात हो रही है, इसी तरह से 123 है, यस, प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप जाएंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है, वो सेशन के अंदर नहीं है, ओके, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपका काम तो होना ही होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है उनको ये पावर होती है, वो ऑर्डिनेंस बना देते हैं। फाइन, उन सब्जेक्ट पे बना सकते हैं जिस पे आपका पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ क्रिएट कर सकती है, ओके, तो उन्होंने इस तरह से ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया, उसका पावर वही रहेगा जो लॉ पास होता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपका वापस से, ओके, विद इन दिस 6 वीक प्रोविजन इज देयर, ऑर्डिनेंस जो होंगे ये अप्रूव किए जाने होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा विद इन 6 वीक्स, ओके, फ्रॉम इट्स रीअसेंबली, जब दोबारा से आपका सेशन चल रहा है तो विद इन 6 वीक आपका इसको अप्रूव करना जरूरी हो जाएगा। कब ऑर्डिनेंस आपका क्रिएट किया जा सकता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन के अंदर नहीं है और आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसपे लॉ बनाने की ज़रूरत है, ओके, ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में आता है आपके जो गवर्नर हैं, ओके, और ये कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 213 की बात कर रहा है, 213 के अंदर आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, लेकिन कुछ राइडर्स हैं, ओके, कुछ राइडर मतलब रेस्ट्रिक्शन प्लेस हैं जिसके अंदर में क्या है, गवर्नर कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, गवर्नर कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इफ ऑर्डिनेंस हैज द प्रोविजंस विच ऑफ इन द बिल वुड रिक्वायर प्रेसिडेंट सेंक्शन, मतलब कुछ ऐसे प्रोविजन अगर हैं जहां पे आपको प्रेसिडेंट का सेंक्शन चाहिएगा तो फिर गवर्नर उसको ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट नहीं कर सकते, वहां पे पहले आपका प्रेसिडेंट की तरफ से सेंक्शन आना चाहिए। क्या ऐसे ऑर्डिनेंस है, मतलब कौन से ऐसे मैटर है जहां पे प्रेसिडेंट का सेंक्शन आपको जरूरी होगा,
The ordinance has the provision which the governor would reserve as a bill containing them for precedent section. अगर ऐसे कुछ provision है जिसको precedent के sanction के लिए reserve किया जाएगा तो वहाँ पर governor जो है ordinance को declare नहीं कर सकते. If an act of the state legislature has the same provision, that would be invalid without the assent of the president. Okay, अगर कुछ ऐसे provision हैं जो बिना assent, मतलब बिना president की permission के आपके invalid हो जाएंगे. कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा law बनाया जाता जिसके अंदर आपको president का ये require है, okay, assent मतलब permission require है, तो उसी तरह से अगर आपने ऑर्डिनेंस क्रिएट किया है जिसमें अगेन आपको उन सब्जेक्ट पे प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर है तो वो ऑर्डिनेंस भी आप इस तरह से प्रोमलगेट नहीं कर सकते हो. ये कुछ राइडर्स आपने प्लेस किए हुए हैं आर्टिकल 213 में जिनको आपको ध्यान रखना है. फाइन, द सेम थिंग्स आर मेंशनड हियर. तो आर्टिकल 213 के अंदर में आपके यूपी गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं उन्होंने इस तरह से प्रोमलगेट किया एंड This says that governor shall not without instruction from the president promulgate any such ordinance if a bill would have required the previous sanction of the president or introduction in the state legislature. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यार क्या ये जो आपका जो unlawful conversion वाला जो ये bill था क्या यहाँ पे president का permission या assent require नहीं था. Okay, इसकी बात की जा रही है कि under article 213 तो यही कह रहा है कि आपको पहले president का permission require होता है and फाइन क्या यहाँ पे इस तरह का रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपने ऑर्डिनेंस इस तरह से अप्रूव कर दिया. ये इसके ऊपर आपकी बात चल रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है आर्टिकल 213 को. ओके, गवर्नर के रोल को. ए सिमिलर लेजिस्लेशन पास बाय द राजस्थान असेंबली अंडर देन बीजेपी गवर्नमेंट इज स्टिल पेंडिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये आपका स्टिल आपका पेंडिंग रख रखा है क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ ऐसे जो बिल हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाना चाह रही है, कोई बिल है, तो ऐसे बिल जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे प्रेसिडेंट की नोट चाहिए. ओके, कौन कौन से केसेस होंगे. कौन कौन से केसेस होंगे व्हेन देयर इज अ रिपग्नेंसी ऑफ सेंट्रल लॉज. ओके, मतलब सेंट्रल लॉज से आपका टकराव हो रहा है. डेविएट्स फ्रॉम द नेशनल और सेंट्रल पॉलिसी, सेंट्रल या नेशनल पॉलिसी से अगर अलग जाके आप लॉ बना रहे हो. व्हेन इट कैन बी चैलेंज फॉर द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मतलब ये कुछ केसेस हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाह रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी उसकी चैलेंज की जा सकती है या वो नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में है या कोई सेंट्रल लॉ से उसका टकराव हो रहा है. इन केसेस में क्या होता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए आपका भेजा जाता है. ओके, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए भेजा जाता है. तो ये जो लॉ है यूपी का जो अनलॉफुल कन्वर्जन को रोकने की बात कर रहा है, ये जो लॉ है इसकी बात हो रही है कि यार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की भी बात हो रही है, चैलेंज करने की बात हो रही है एटसेट्रा, तो क्या इसको भेजा गया नहीं भेजा गया. तो ये देखने के लिए जब पता किया गया तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिप्लाई आया कि हमारे पास ये बिल आया ही नहीं है तो हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकते. फाइन, तो होम मिनिस्ट्री जनरली क्या करती है, एग्जामिन करती है बिल्स को पास बाय द स्टेट्स. अगर कौन कौन सी कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है और ये जो इस ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे हैं ये आपका होम मिनिस्ट्री के पास गया नहीं है तो यहाँ पे कुछ रिप्लाई आ नहीं सकता. कहने की मतलब, कहने की बात यहाँ पे ये है, दो इश्यूज हमने डिस्कस किए कि आर्टिकल 213 के अंडर में ओके जो प्रेसिडेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्या वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है. सेकंड कि यहाँ पे ये जो राइडर्स हैं इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के, कि अगर सेंट्रल लॉ को चैलेंज कर रहे हो नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन है तो क्या ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जो यूपी वाला एंटी कन्वर्जन, ये जो अनलॉफुल कन्वर्जन का लॉ है. दीज आर द थिंग्स, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं जनरली क्या होता है एक दो दिन बाद उन पर एडिटोरियल्स भी रहते हैं. इफ़ यू फाइंड सम एडिटोरियल विच इज़ रेलेवेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके वी विल डेफिनेटली ऐड हियर. तो ये आपकी है गवर्नर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. आर्टिकल 213 को हमने डिस्कस किया है, इसको आप देखेंगे. अब देखिए एक और इसी में डिस्कशन चलता है और कई बार यूपीएससी ने, एक दो बार नहीं कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं. क्या क्वेश्चन आए हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है. ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो कई बार क्या किया जाता है, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को अवॉइड करने के लिए, कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी मतलब आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल जाएगा, उस पर डिबेट होगी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, या आपको लग रहा है कि वहाँ से वो पास होगा नहीं होगा, तो उसको बाईपास करने के लिए, उस स्क्रूटनी को अवॉइड करने के लिए कई बार ऑर्डिनेंस रूट का क्या किया जाता है, मिस यूज किया जाता है। ये जो ऑर्डिनेंस रूट है इसका मिस यूज किया जाता है। कैसे मिस यूज किया जाएगा, आप हर बार ऑर्डिनेंस क्रिएट कर दोगे, ठीक है, वैसे तो आपने ऑर्डिनेंस बना दिया और फिर जब आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन कर रही है तो विद इन 6 वीक आपको इस तरह से करना होगा, ओके। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या क्या कर रहे हो, बार बार रीप्रोमलगेशन कर रहे हो, किसका, ऑर्डिनेंस का, बार बार आप वो कर रहे हो, रीप्रोमलगेशन मतलब बार बार ऑर्डिनेंस क्रिएट कर रहे हो किसी एक चीज पे, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और ये केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, डीसी वधावा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये जो केस था यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बार बार ऑर्डिनेंस बना रहे हो, दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रॉड है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, दिस इज द सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, आपको ऑर्डिनेंस का ऑप्शन दिया हुआ है तो वो एक बार अगर कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, ऑर्डिनेंस के पीछे लॉजिक क्या है कि यार अब आपका पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो चलेगा, ओके, तो वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए एग्जीक्यूटिव को, इसलिए आपको ऑर्डिनेंस का प्रोविजन दिया गया। लेकिन आप एक ही चीज पे बार बार ऑर्डिनेंस ला रहे हो, सो बेसिकली दिस इज व्हाट, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, डीसी वधावा स्टेट ऑफ बिहार केस में। ये नाम भी याद रख लेना इस केस का, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये भी ध्यान रख लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है। तो इस तरह से एक न्यूज़ थी और किस तरह से आपको रिलेट करना है, फाइन, ये एक जो न्यूज़ हमने डिस्कस किया उसको किस तरह से आपका टॉपिक्स मतलब यूपीएससी या जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है उनसे आप इनको रिलेट करोगे जहाँ पे क्वेश्चंस जनरेट होंगे, इसको भी ध्यान रखना, आर्टिकल 213 मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन पे, एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, एनकरेजिंग डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि यार ट्रंप चले गए हैं, ओके, बाइडन आ रहे हैं, पता नहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मतलब इंडिया के साथ जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ओके, जैक सुलिवन हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, एंड प्लीज़ हैव अ लुक हियर, क्या वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो क्वाड है, ओके, क्वाड की बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल जो आपका अलायंस है जहाँ पे इंडिया है, ओके, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चारों कंट्रीज़ हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर साथ आ रहे हैं ताकि चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कंटेन किया जा सके, ओके, और पूरे रीजन को सिक्योर किया जा सके, ओके, वहाँ पे पीस इंश्योर किया जा सके, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जा सके। कहने का मतलब है इंडो पैसिफिक रीजन में किसी एक कंट्री की जो कि चाइना है उसकी दादागिरी ना चले, ओके, उसकी कोशिश की जा रही। सो इन दिस कॉन्टेक्स यहाँ पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वुड लाइक टू कैरी फॉरवर्ड द वर्क ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। किस बारे में, इन स्ट्रेंथनिंग द क्वाड, ओके, क्वाड की स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है कि इसके ऊपर हम फंक्शन करेंगे, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूएस ने ये कहा, अभी जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है अगर नाटो के बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस बन रहा है तो वो क्वाड है, ओके, वो क्वाड है, और ये हम देखते हैं क्वाड जो है दैट इज़ वेरी फंडामेंटल एज फार एज आर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, इंडियन और पैसिफिक ओशन की जो स्ट्रैटेजी है उस रीजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वाड इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन इंडिया के लिए, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, मतलब यहाँ से ये आइडिया आपको लग जाएगा कि यार जो मेजर इशूज़ हैं, ओके, अब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, डाइवर्जन नहीं हो गया एकदम, बिल्कुल उल्टा कुछ नहीं हो गया, जो पॉलिसी डायरेक्शंस थी, ओके, जो मेजर स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं वहाँ पे कॉपरेशन कंटिन्यू रहेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा इन्होंने और बात की यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बात किया, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यही रहेगा कि यूएस जो है यहाँ पे मल्टीलेटरल फोरम्स पे, ओके, अपना प्रेजेंस वापस से इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने देखा कि यूएस ने जो है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एंट्री अपनी कर दी है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हट गया था पेरिस एग्रीमेंट से, इसी तरह से आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एंट्री कर रहे हो,
तो मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं, जैसे आपका क्लाइमेट फोरम्स हो गए, ओके, यू हैव दिस UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, या आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इनके ऊपर आपका फोकस रहेगा। इसके अलावा चाइना का चैलेंज है, उसको कंटेन करने की बात हो रही है, और US कह रहा है कि चाइना चैलेंज जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, असर्टिव एंड राइजिंग चाइना वॉज द बिगेस्ट चैलेंज टू द USA, USA के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसे हम देखते हैं किस तरह से डील किया जाए। अफगानिस्तान पॉलिसी पे US के लिए कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की पॉलिसी पे भी हम देखेंगे, बचे हुए जो 2,500 सोल्जर्स हैं उनको हटाना है नहीं हटाना है, क्या अफगानिस्तान में जो तालिबान जो कमिट कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट इतना हमारे लिए नहीं है। एक ईरान न्यूक्लियर डील है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए, ओबामा की कोशिशें रही और उसकी वजह से आपका जकोपा ये साइन हुआ। ओके, जकोपा क्या है, यू हैव दिस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और द ईरान डील। इस जकोपा को क्या कहा जाता है, ईरान डील भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली कोशिश यहाँ पे की गई कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर ले। ओके, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको विजिल करने के लिए, मतलब उसको सुपरवाइज करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट रोकने के लिए ये ईरान डील साइन किया गया। कि हम क्या इसमें बेसिकली था कि हम आप पे सेंक्शन हटा देते हैं, कम कर देते हैं, आप ये जो न्यूक्लियर अपना एनरिचमेंट, ये जो प्रोग्राम है वेपन्स बनाने का, इसको आप बंद कीजिए पूरा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से आपका बाहर आ गया था, और उसके बाद से बात हो रही है कि यहाँ पे अब ईरान न्यूक्लियर डील पे क्या पर्सपेक्टिव रहेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा कि आपका इस डील को वापस से कुछ कंटिन्यू किया जाए, कुछ इस तरह से लाया जाए ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। फाइन, तो यहाँ पे एक रियल डिफरेंस है। अगेन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, जैसे इंडिया के साथ कॉपरेशन है, क्वाड का कॉपरेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी। जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर डील का प्रोग्राम है, ओके, वहाँ पे डिफरेंस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है एडवांस हुआ है ड्रामेटिकली, ओके, कपल ऑफ ईयर्स में, जब ये आप जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से बाहर आ गए थे उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस हुआ है, तो यहाँ पर हमारा अप्रोच डिफरेंट रहने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है। हालांकि US की फॉरेन पॉलिसी है लेकिन इंडिया को भी इम्पैक्ट कर रही है। फाइन, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वाड, जिस पे आपको ध्यान रखना है। दिस इज अबाउट पोस्ट पोल क्राइसिस इन दिस ओके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर आपका ये क्राइसिस हो गया था, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है और जो रिबेल्स हैं उनके बीच में बैटल लाइक सिचुएशन हो रहा है, काइंड ऑफ सिविल वार सिचुएशन इज देयर। इसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है लगभग 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। क्या प्रॉब्लम थी? ये हुआ था दिसंबर में, इलेक्शन रिजल्ट आए। ओके, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये आपका अफ्रीका में कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये आपका कंट्री यहाँ पे है, एंड यू हैव दीज कंट्रीज लाइक DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज देयर, यू हैव कैमरून इज देयर, जहाँ पे लोग क्या जा रहे हैं, रिफ्यूजीज यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, यू हैव चैड, कैमरून, ओके, यहाँ पे इस तरह से इनका वो हो रहा है। तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस डेवलप हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि इलेक्शन रिजल्ट जब यहाँ पे आए इस तरह से, एंड बैटलिंग जो कुछ लोग हैं उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट किया दैट आर सीकिंग टू ओवरटर्न दिस रिजल्ट। ओके, जो इलेक्शन रिजल्ट है उसको हटा के उसके अगेंस्ट में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे फाइटिंग आपकी ब्रॉकआउट हो गई, और उसी की वजह से ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ ये इसी में क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोकेशन वाइज याद रखिए। ओके, यू हैव दिस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दिस इज द कंट्री एंड दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज। तो अफ्रीका के मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल। इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी को रिलेट करके ये न्यूज़ है। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि चाइना इज स्टिल द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्ट्स फॉर इंडिया। ओके, चाइना जिसके ऊपर हम बात करें, हमारी इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंस है, क्रिटिकल इम्पोर्ट्स की जो डिपेंडेंस है, वो अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंस है स्पेशली इन द क्रिटिकल एरियाज वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, मेडिसन्स के लिए रॉ मटेरियल आता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट।
ओके ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है 70-80% हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया यार, पेनिसिलिन के लिए अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इंडिया बना ही नहीं पाएगा, फिर काहे का आपका वर्ल्ड की फार्मेसी है अगर चाइना यहां पे बंद कर देता है। बिकॉज वी आर हैविंग द बॉर्डर टेंशन फॉर द लास्ट यू हैव अराउंड 8-10 months। ओके वी आर विटनेसिंग ए स्टैंड ऑफ इन द लद्दाख, ओके अरुणाचल पे भी आपकी सिचुएशन टेंस हो रही है। तो इतना अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, क्या पता चाइना कब वहाँ से मना कर दे कि चलो हम नहीं दे रहे हैं आपको ये क्रिटिकल एरियाज में। तो यहाँ पे इंडिया एकदम से आप कहोगे ना कि पैरालाइज काइंड सिचुएशन हो जाएगी, अब क्या करें। तो इस जो डिपेंडेंस है इसको कम करने के लिए, ओके डिपेंडेंस को कम करने के लिए आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है और कह रही है कि ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है इसको कम करने की ज़रूरत है। एंड कम करने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव की बात करें क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस, ओके टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस, रिड्यूसिंग दिस डिपेंडेंस क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है हम मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI जो स्कीम है इसकी बात हो रही है। शुरू में ये स्कीम आपकी लाई गई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मेडिकल डिवाइसेस के लिए, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो इंडिया जो है 85% तक मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट कर रहा है, इतना सारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपके मोबाइल फोन्स के लिए लाया गया, ओके मोबाइल फोन्स जो हैं उनके लिए ये स्कीम शुरू में लाई गई और इसके अंदर एनकरेजिंग रिजल्ट भी देखे गए। इसमें बेसिकली क्रक्स क्या है, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कुछ इंसेंटिव दे रही है आपको, जो भी आपका इंक्रीमेंटल सेल होगी हर साल की। तो इससे क्या होगा, जो भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं, बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया पे अट्रैक्ट होंगे, इंडिया की तरफ आएंगे, क्योंकि COVID-19 की वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। हालांकि ये चीज़ कम देखी गई कि जो शुरू में कहा जा रहा था बड़ी बड़ी कंपनियां सब चाइना को छोड़ के बाहर चली जाएंगी, ये चीज़ इतना बड़े लेवल पे नहीं हुआ। लेकिन अब जो बड़ी कंपनियां अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां चाह रही हैं यार ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाए, सो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन। तो वहां पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे यहां पे क्रिएट कीजिए, ओके तो उसी में PLI स्कीम है। तो इससे क्या होगा कि इस तरह के जो एरियाज हैं जहां पे इंडिया अभी डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, तो आने वाले टाइम में अगर बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया में ही अगर मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगी तो एक तो हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हो जाएगा, क्योंकि यहां से जैसे चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े MNCs हैं वहाँ पे उनके मैन्युफैक्चरिंग हब है, सप्लाई चेन ग्लोबल वैल्यू जो चेन है उसमें उसका प्रेजेंस है। तो इसी तरह से अगर इंडिया भी कर पाता है तो हम ये डिपेंडेंस भी कम कर देंगे और एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। तो PLI स्कीम इज देयर। सिमिलरली यू हैव सम अदर थिंग्स, दैट इज ग्लोबल एफर्ट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज फॉरन मिशंस टू फाइंड अल्टरनेटिव टू चाइना, ओके चाइना के अल्टरनेटिव को हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने लिथियम रिजर्व्स की बात की थी, लिथियम एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आपका वो है, और लिथियम आपका बैटरीज में यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आएगा, लैपटॉप्स है, आपके मिशंस हो गए, स्पेस मिशन, हर जगह पे लिथियम का यूज़ इस तरह से है। तो अभी इंडिया जो है चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड द अल्टरनेटिव्स टू द चाइना। जैसे कि आपका जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज हैं, जो आपका लैटिन अमेरिकन ट्राइंगल है जिसमें आपके क्या हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंडिया कर रहा है। तो एक तो PLI स्कीम हो गया, दूसरा हम क्या अल्टरनेटिव फाइंड कर रहे हैं, थर्ड हो गया यूज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स, ओके अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया कोशिश कर रहा है UK के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ फेवरेबल आउटकम की कोशिश की जा रही है। सो दीज आर द थिंग्स, ओके PLI यहाँ पे मेजर फैक्टर है जो ये रिड्यूस करेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का एग्जांपल देना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो सकता है, UPSC के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, अभी भी इतना ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस दिस इंपोर्ट डिपेंडेंस स्पेशली इन द क्रिटिकल एरियाज। सो यू विल हैव टू मेंशन द आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड द इनिशिएटिव्स लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए, इंडिया को मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा है चाइना में, जो शुरू से प्रॉब्लम रहा है,
और उसके ऊपर आपका ये साइन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी आपका मटेरियलाइज नहीं हुआ है. फाइन, तो दिस इज़ अगेन द एक्सेस. चाइना ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट एक्सेस मिल जाए, ठीक है, लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस देने के लिए आपका नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट हो जाते हैं. ओके, कोटा बैरियर हो गया या कुछ भी आपने इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया रेगुलेशन के फॉर्म में. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड दैट वाज इन न्यूज़ अगेन. पहले भी आपका न्यूज़ में था और आई थिंक हमने 22nd को ही डिस्कस किया है. प्लीज़ हैव अ लुक क्या यहाँ पे बात हो रही है. चलिए, गवर्नमेंट प्लान्स लॉ टू बैन द बिटकॉइन. ओके, सो बिटकॉइन दैट इज बेसिकली आप कहोगे कि यार वर्चुअल करेंसी है. ओके, वर्चुअल करेंसी है और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक लॉ लाने की. क्योंकि आपको याद होगा ये कंट्रोवर्सी लगभग एक साल पहले मार्च की बात है, मार्च 2020 की बात है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन रिवर्स कर दिया था. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इंटरवीन किया था और कोर्ट ने कहा था कि आरबीआई ने जो ये प्लेस किया हुआ है, आरबीआई ने क्या किया हुआ था, बैन किया हुआ था ट्रेड इन द बिटकॉइन. बिटकॉइन जो कि इस तरह से वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है, उसके अंदर ट्रेड को बैन किया हुआ था आरबीआई ने. ओके, आरबीआई ने बैन किया हुआ था. और यहाँ पे फाइन, यहाँ पे कोर्ट ने इंटरवीन किया था मार्च 2020 में और कहा था कि ये आपका जो बैन है इसको हम हटा रहे हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी. क्यों कोर्ट ने कहा था, देखिए कोर्ट ने रीजन दिया था एक प्रोपोर्शनल, ये ग्राउंड होता है ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसमें क्या होता है, अगर कोई एंड है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो और उसका मीन है, तो दोनों के अंदर एक प्रोपोर्शन होना चाहिए. तो आरबीआई कह रहा है कि हमने वर्चुअल करेंसीज लाइक बिटकॉइन वगैरह को बैन किया क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी. एंड क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान ना हो ज़्यादा, इसकी बात की जा रही है. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपने मीन क्या अडॉप्ट किया, आपने टोटल ब्लैंकेट बैन कर दिया कि भाई आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, पूरा बैन हो गया. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं है. एंड क्या है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट करना है, सो यू हैव दैट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका यूज़ कीजिए. इसी तरह से अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रेगुलेशन करना है तो आपके पास में तरीके हैं. ओके, सो दस मीन इज़ नॉट जस्टिफाइड कि आपने पूरा ब्लैंकेट बैन ही क्रिएट कर दिया, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड. उसकी यहां पे बात हुई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी. एक रीजन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दिया कि हम बार बार यहां पे गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि यहां पे कुछ इस तरह से रेगुलेशन लाया जाए, इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट कीजिए, रादर देन क्रिएटिंग ए ब्लैंकेट बैन ऑन दिस ओके क्रिप्टो करेंसी ट्रेड. लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था. ओके, ये जो कोर्ट के इंटरवेंशन की बात हो रही है. अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ने 2019 में एक पैनल बनाया था. ओके, और उस पैनल ने क्या कहा कि आप ठीक है बैन तो कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप एक ऑफिशियल जो है ओके क्या लेके आओगे, एक डिजिटल करेंसी आप इस तरह से लेके आइए. ओके, रिकमेंडेड बैन ऑन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, इन सब पे आपका बैन कर दिया था. ओके, 10 साल की जेल टर्म भी थी, लेकिन इस पैनल ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, मतलब एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होनी चाहिए. तो अभी आपका पार्लियामेंट सेशन चालू है, बजट सेशन चल रहा है, कल आपका बजट आ जाएगा. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट द थिंग इज दैट पार्लियामेंट के अंदर ये आपका बिल जो है एक लेजिस्लेशन को लिस्ट किया गया है, जो डिबेट भी होगा उसके ऊपर. और क्या वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 6 टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन द इंडिया. जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको प्रोहिबिट करेगा. ओके, उनके अंदर ट्रेड जो है प्रोहिबिट किया जाएगा. हाउएवर इट अलाउज फॉर सर्टेन एग्जेम्पशंस. ओके, कुछ एग्जेम्पशन भी हैं आपके. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया जो है आरबीआई के थ्रू यहाँ पे कोशिश कर रहा है एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी आपका प्लेस किया जाए, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी प्लेस किया जाए. जैसे आपके जो नोट होते हैं ना, जो करेंसी नोट होते हैं, वो इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, उसी तरह से ये करेंसी आरबीआई के द्वारा इशू की जाए.
एट प्रेजेंट जो कन्वेंशन है वो इस तरह का नहीं है, ओके okay? अगर आप देखोगे किसी भी बड़ी इकोनॉमी में तो यहाँ पे ना तो कोई ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है इस तरह से ट्रेड को अलाउ किया हुआ है, और ये पूरा डी इस तरह से सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन नहीं होता है आपका जो डिजिटल करेंसी होती है किस तरह से काम करता है। प्लीज़ हैव अ लुक, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये क्या होता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, जिस तरह से आरबीआई कंट्रोल कर रहा है ना, इशू कर रहा है नोट को, उसका इस तरह से पूरा कंट्रोल है, उस तरह से नहीं रहेगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहेगा। और बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है ये आपका जैसे कि ब्लॉकचेन है, ओके ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये जो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड्स की लिस्ट बन रही है ब्लॉक्स के फॉर्म में, इसलिए ये जो है ओके जिसको एक्सेस किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, इसको ओके क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज़ किया जा रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये श्योरिटी हो जाता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो पता चल जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका कंट्रोल होता है, तो हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, सेंट्रलाइज नहीं है जैसे कि आपका आरबीआई के फॉर्म में है। बिटकॉइन जो है 2009 में आया था, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टोग्राफी है, और ये यूजर्स को अलाउ कर रहा है इंटरेक्ट ट्रांजेक्ट करने के लिए, दैट इज़ फाइन। लेकिन इसमें इशू ये है कि यार इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम में इसका यूज़ किया जा रहा है, एनोनिमिटी इज देयर, कौन किस तरह से ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये सब चैलेंजेस हैं। ओके फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे चैलेंजेस हैं, तो इस पर आपका लॉ आएगा किस तरह से रहता है वो देखने वाली बात होगी, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा डेफिनेटली, सो वी वुड बी गोइंग फॉर दैट एज वेल। ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंडिया यहाँ पे लाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि आपके दोनों मोटिव सॉल्व हो रहे हैं, एक तो आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फाइनेंशियल सेक्टर को जो थ्रीट है वो भी एड्रेस हो जाएगा, और जो ट्रेड है डिजिटल करेंसी में उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल करेंसी को एक ऐसा चीज़ है जिसको आप रोक के नहीं बैठ सकते, ये आज नहीं तो कल बहुत आपका जो है इस आइडिया का फैसिलिटेशन रहेगा, मतलब ये पॉपुलर होगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है दैट इज साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक छोटी सी न्यूज़ है जो कह रही है कि यार अगर इस तरह से जो प्रेग्नेंट वुमन है ओके तो वो COVID-19 की जो एंटीबॉडीज़ हैं ओके वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और जो आपका फीटस है उसको प्रोटेक्शन दे सकती है। जैसे होता है ना HIV इन्फेक्शन अगर है मदर में तो वो ट्रांसमिट हो जाता है फीटस के अंदर ओके तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि जो एंटीबॉडीज़ बन जा रही है COVID-19 मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को होता है, कोई प्रेग्नेंट वूमन है COVID-19 हुआ, इस तरह से वो सही हो जाती हैं ओके क्योर हो गई हैं रिकवर कर गई हैं, तो उनकी बॉडी में क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ये एंटीबॉडीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं किसको, फीटस को, जिससे कि वो फीटस इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो ये एक बस सिंपल सी न्यूज़ है कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस तरह से COVID-19 के एंटीबॉडी ट्रांसमिट होती है या नहीं होती उसके रिगार्डिंग रिसर्च है, तो यस हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट हियर, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ रिलेटेड टू द स्टेलर फिनोमिनाज एंड ऑल, हाउ न्यूट्रिनोज एड इन द डेथ ऑफ द मासिव स्टार्स, इसकी बात हो रही है, हाउ न्यूट्रिनोज एड इन द डेथ ऑफ मासिव स्टार। देखिए जो स्टार्स होते हैं उनकी जो डेथ होती है ओके इस तरह से जब वो डेथ की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो एक तरह का ब्लास्ट होता है जिसे आप कहते हो एक्सप्लोजन होता है, वी कॉल दिस एक्सप्लोजन सुपरनोवा। बेसिकली ये जो आपको इस तरह के एक्सप्लोजन्स दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, सुपरनोवा होते हैं, जिसमें एनर्जी जो है इस तरह से आपका रहती है। तो इसी के रिगार्डिंग आपकी बात हो रही है, ऑल स्टार्स बर्न द न्यूक्लियर फ्यूल इन देयर कोर्स, स्टार्स के कोर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल बर्न होता रहता है। अब उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, फिशन नहीं होता है ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन इज देयर, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता रहता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता रहता है। अब क्या होता है, स्टार्स का अपना ग्रेविटी होती है ओके, ग्रेविटी दैट इज गुरुत्वाकर्षण, तो उस ग्रेविटी के अंडर ये कॉलेप्स नहीं कर जाए स्टार ओके, उसकी वजह से क्या होता है, ये कोर जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है उससे एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये बैलेंस हो जाता है, स्टार अपनी खुद की ग्रेविटी के अंदर कॉलेप्स नहीं होता है जब तक ये आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है इनके कोर के अंदर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है वैसे इसका भी फ्यूल, आज नहीं तो कल जाना है, फाइन। सो स्टार्स का फ्यूल जब इस तरह से रन आउट होने लग जाता है, इट स्टार्ट्स टू कूल इनसाइड, अंदर से कूल होना स्टार्ट कर जाता है, इंटरनल प्रेशर इसका लो हो जाता है, तो जो इंटरनल प्रेशर पहले था
ये इंटरनल प्रेशर है, इस तरह से काम कर रहा है ताकि ये स्टार कॉलप्स नहीं हो जाए, इस तरह से कॉलप्स ना हो जाए अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। अब ये इंटरनल प्रेशर आपका कम हो गया, क्यों? क्योंकि आपका फ्यूल खत्म हो गया, तो फाइनली स्टार क्या कर जाते हैं, कॉलप्स कर जाते हैं अंडर देयर ओन ग्रेविटी, ग्रेविटी जीत जाता है आप कह सकते हो। तो इस तरह से जब ये कॉलप्स कर जाते हैं, हम कहते हैं स्टार आपका डिके हो रहा है, मतलब स्टार डेथ हो रही है। ये जो फिनोमिना होता है इसके अंदर क्या होता है, आपका शॉक वेव्स स्प्रेड होती हैं और जो भी आपका आउटर मटेरियल है स्टार का वो इस तरह से बाहर फ्लाई करने लग जाता है, जैसे कुछ आपका होता है ना ब्लास्ट लाइक सिचुएशन, समथिंग इन दैट मैनर। तो ये जो फिनोमिना होता है स्टार की डेथ का, एक्सप्लोजन ये जो क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं, वो होता है सुपरनोवा। इस एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं, सुपरनोवा। इट लुक्स लाइक दैट। अभी जो स्टडी है जो ये आई है आपकी आईआईटी गुवाहाटी की एक टीम है वो स्टडी कर रही है, वो आपके टाइप टू सुपरनोवा को स्टडी कर रही है। अब ये टाइप टू सुपरनोवा क्या है इसको देख लेते हैं जो न्यूज़ में है, बेसिकली यही हमें देखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुपरनोवा तो जान गए आप, अब टाइप टू सुपरनोवा क्या होता है। अब सुपरनोवा जो कि स्टार की डेथ हो रही है, इससे क्या होगा, अगर बहुत बड़ा स्टार है तो आपका ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। बहुत बड़ा स्टार है तो क्या क्रिएट हो जाएगा, ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। अगर स्टार मीडियम साइज का है तो आपके न्यूट्रॉन स्टार क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्रिएट हो जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार। बहुत ही मासिव स्टार है तो ब्लैक होल क्रिएट होगा। अगर मीडियम साइज आपका या बड़ा स्टार है तो आपका न्यूट्रॉन स्टार क्रिएट होगा। अगर बहुत छोटा है आपका जो स्टार का मास है छोटा है तो आपका व्हाइट ड्वार्फ क्रिएट होता है। क्या हम कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। तो ये तीन इस तरह से क्रिएट होते हैं कॉलेप्सिंग के, स्टार की कॉलेप्सिंग से ये तीन आपकी एंटिटीज बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मास ऑफ द स्टार जो आपका कॉलेप्स कर रहा है। सो इट स्टार इन स्टार्स दैट आर मोर देन 8 times। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है ये टाइप टू सुपरनोवा या कोर कोलेप्स सुपरनोवा क्या है, ये बेसिकली हमें इस आर्टिकल से देखना है। सुपरनोवा आप जान चुके हैं क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, वाइट ड्वार्फ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि आपके ऐसे स्टार जो कि 8 times एज मासिव एज द सन, मतलब सन के कंपैरिजन में 8 times उनका मास ज़्यादा है, तो ऐसे स्टार जब कॉलेप्स करेंगे तो जो सुपरनोवा आपका हो रहा है, जो आपका सुपरनोवा क्रिएट हो रहा है बाय कॉलेप्सिंग द इनर मटेरियल ऑफ द डाइंग स्टार, दिस इज नोन एज द कोर कोलेप्स सुपरनोवा और टाइप टू सुपरनोवा। मतलब आप कहोगे कि बड़े स्टार की कॉलेप्सिंग से जो एक्सप्लोजन क्रिएट हो रहा है, जो सुपरनोवा बन रहे हैं, उनको हम टाइप टू सुपरनोवा या कोर कोलेप्स सुपरनोवा कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी बेसिकली स्टडी यहाँ पे ये कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज के बेसिस पे ये स्टडी कर रहे हैं, इनका ऑसिलेशन देख रहे हैं। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, न्यूट्रिनोज आपके छोटे छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता है, जो इंटरेक्ट करते हैं वीकली विद द मैटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो एनर्जी है सुपरनोवा में, ये जो एक्सप्लोजन हुआ इसकी जो एनर्जी है ये आपका कैसे कैरीड आउट कैरीड अवे हो गया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। अब ये न्यूट्रिनोज के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहा है उसकी स्टडी की जा रही है कि यार न्यूट्रिनोज के फ्लेवर चेंज हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रिनोज के कुछ टाइप्स होते हैं, 3 types के इन्होंने बना दिए और एक टाइप से दूसरा टाइप ही आपका चेंज हो रहा है, इन दिस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है। तो इन न्यूट्रिनोज के ऑसिलेशन को इसको स्टडी करके ये देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी इवेंट्स होती हैं एटसेट्रा। तो आपको ये सुपरनोवा टाइप सुपरनोवा ये ध्यान रखने, न्यूट्रिनोज क्या होता है ये ध्यान रखने। न्यूट्रिनोज आपके 3 के होते हैं, इनको 3 types या 3 flavors कह लीजिए। फर्स्ट आपका हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक है आपका म्यूऑन न्यूट्रिनो और एक है आपका ताओ न्यूट्रिनो, जो ताओ पार्टिकल हैं, म्यूऑन पार्टिकल्स हैं, उसके बेसिस पे आपने 3 types कर दिए। एनवायरमेंट पे आते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव क्लोजर टू लैंड एक्सेप्ट फॉर अटलांटिक हरिकेन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ये आपका अर्थ है, यू हैव दिस इक्वेटर और ये जो एरियाज हैं, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये जो एरिया है दैट इज ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे साइक्लोन है जो ट्रॉपिक्स के एरिया के अंदर क्या हो रहा है, इनका ओरिजिन हो रहा है। ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, ट्रॉपिक्स में हो रहा है। प्लीज हैव अ लुक, ये आपका इक्वेटर जा रहा है, यू हैव दिस ट्रॉपिक्स हियर, ये पूरा ट्रॉपिक्स है, तो वहीं पे आपका ओरिजिन इनका है। हालांकि ये मूव करके इधर भी जाएगा, इस तरह से भी जाएगा। तो जनरली आप देखोगे जो साइक्लोन्स हैं
उसमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। ये ट्रॉपिक्स में ही क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज साइक्लोन जनरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ हीट रिलेटेड एवरेज, आपको सी सरफेस टेम्परेचर कुछ होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हीट रिक्वायरमेंट होता है, लेटेंट हीट वो आपको चाहिए। कुछ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए मिनिमम, इसलिए एट द इक्वेटर तो हो ही नहीं सकता, इक्वेटर पे कभी नहीं बनेगा क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे जीरो है। ओके, जो अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ के रोटेशन से जो एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, डिफ्लेक्टिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स और थोड़ा सा आपको टेम्परेचर चाहिए, तो वो आपको ट्रॉपिक्स में मिल जाते हैं एक्सेप्ट दिस इक्वेटर थिंग। तो आप देखोगे इक्वेटर के अलावा यहाँ पे ये ट्रॉपिक्स में आपके बन रहे हैं, और इनका मूवमेंट किधर हो रहा है, वेस्ट की तरफ इस तरह से जा रहे हैं। ये आप देखोगे ये किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो ये जो स्टडी है ये क्या कह रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव क्लोजर टू द लैंड, लैंड के और भी क्लोज में ये आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, लैंड के और भी क्लोज में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इनका वेस्टर्न मूव, जनरली क्या होगा, ये जो हीट की सप्लाई है ओके, ये बंद हो जाती है। जैसे ही आपका ये साइक्लोन हीट करेगा, लैंड एरिया को हीट करेगा, वहाँ पे ये जो लेटेंट हीट की सप्लाई है, मॉइस्चर सप्लाई हो रहा है, ये बंद हो जाएगा, तो उसका भी फ्यूल खत्म हो गया आपका साइक्लोन का। तो हम कहते हैं यार लैंडफॉल जब हो रहा है, मतलब साइक्लोन लैंड को हीट कर रहा है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो डिसिपेट हो जाता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो स्टडी है ये कह रही है कि साइक्लोन्स आपके ओके क्लोजर टू द लैंड, आपके लैंड के और भी पास तक जा रहे हैं, मतलब कुछ केसेस में तो आपके 100 प्लस किलोमीटर अंदर तक चले जा रहे हैं। तो ये जो है दिस इज अ काइंड ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न, इसका क्या रीजन है इनको पता नहीं चल रहा है ओके, जनरली देखा जा रहा है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली हैव बीन मूविंग वेस्टवर्ड बाय अबाउट 30 किलोमीटर्स, ये मूव कर रहे हैं, पुटिंग देम क्लोजर टू द लैंड एंड मेकिंग देम मोर डेंजरस ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा लैंड के अंदर की तरफ आप एंट्री करोगे उतना ज़्यादा डैमेज वो क्रिएट करेगा। तो जनरली डिसिपेट कर जाता है क्योंकि इसको हीट मॉइस्चर का सप्लाई नहीं हो रहा है, फ्यूल उसका खत्म हो जा रहा है, लेकिन अब ये आपके ज़्यादा अंदर तक इस तरह से जा रहे हैं। एंड रिसर्चर्स डोंट क्वाइटली नो वाई दिस इज़ हैपनिंग, इनको रीज़न पता नहीं है कि ये जो डेंजरस ट्रेंड है क्यों ऐसा हो रहा है। एंड कुछ रीजन्स, पॉसिबल रीजन्स यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट किए गए हैं, दैट इज़ फाइन अगेन। चलिए अब ये इस तरफ वेस्टवर्ड मूवमेंट क्यों है, क्योंकि आपकी ट्रेड विंड्स इसी तरह से मूव कर रही हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स आपकी इस तरह से मूव कर रही हैं। हालांकि ये जो वेस्टवर्ड शिफ्ट है ये आपका अटलांटिक जोन में नहीं देखा गया है, तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री ओके, मिस्ट्री है कि हर जगह पे वेस्टवर्ड शिफ्ट देखा जा रहा है, मतलब ये और वेस्ट में मूव कर रहे हैं। अब जितना वेस्ट में मूव करेगा उतना ज़्यादा लैंड की तरफ भी मूव करेगा अंदर की तरफ, लेकिन ये जो अटलांटिक रीजन है वहाँ पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है। So this thing is mysterious for the scientists, they are not able to find the actual reason, possible factor global warming से relate किए जा रहे हैं। इनकी intensity बढ़ गई है, ये सब चीज़ें हैं okay, जिनको mention किया गया है, intensity और ये सब चीज़ें बढ़ी है। जैसे आपने देखा कि अम्फान्स okay, जो अम्फान था सुपर साइक्लोन, इस तरह से आपके और भी ज़्यादा strong हो रहे हैं। तो अम्फान में हमने देखा सुपर साइक्लोन कितने frequently आ रहे हैं ओके, वेरी सीवियर स्टॉर्म्स आपके बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट करनी है। वन मोर थिंग इज देयर देन वी विल रैप अप दिस सेशन, ये आपका लास्ट न्यूज़ है। संडे के सेशन पे जनरली साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट से रहती है न्यूज़ ओके, कुछ न्यूज़ हैं जैसे हम कवर कर चुके हैं, जो गूगल वाला इशू है, ग्रीन टैक्स है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज न्यूज़, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कवरिंग इट अगेन। मशरूमिंग रिसोर्ट्स थ्रेटन टू कॉम द वायनाड ओके, वायनाड के अंदर जो आपका ये सेंचुरी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो ये जो सेंचुरी है यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, रिजॉर्ट वगैरह बना रहे हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो वाइल्ड लाइफ को भी आपका डैमेज हो रहा है, और यहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं ओके, आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी थ्रीट क्रिएट हो रहा है ओके, टूरिस्ट वॉकिंग इन टू द ट्राइबल विलेजेस होल्डिंग दीज लेट नाइट पार्टीज एंड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, तो ये कुछ थ्रीट्स हैं जो देखे जा रहे हैं कि हाँ यार वाइल्ड लाइफ के लिए भी थ्रीट क्रिएट हो रही है ओके, ये जो रेगुलेशन बिना रेगुलेशन के अगर आपका जा रहा है, और आपका ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भी इश्यूज क्रिएट हो रहा है इनसाइड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस यू हैव ओके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, यू हैव बांदीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, यहाँ पे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके, ये पूरा एरिया आपका बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। चलिए,
क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है एंड नागर होल बांदीपुर ये टाइगर रिजर्व्स आपके हैं, मुदुमलाई ये आपने देखा ही है। वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट डेसिड्यूस भी है और सेमी एवरग्रीन भी है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में आता है वायनाड जो है, ये आपका माइक साइट भी है, माइक साइट भी है, माइक साइट जो कि एलिफेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। फाइन साइट्स का ये इस तरह से प्रोजेक्ट रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। दिस इज ऑल हियर, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन जो आपका डेली बेसिस पे रहता है, अराउंड 7:15 PM हम डेली इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ये आपका योजना मैगजीन की समरी है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ओके, योजना सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज आपका कितने बजे है, टुडे 5 PM कहाँ पे होगा, अनएकेडमी एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पे नहीं है ये क्लास, ये फ्री क्लास है। आई विल शेयर द लिंक, यहाँ पे क्लास का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये 5 बजे आपकी क्लास है और कुछ टॉपिक रह जाएंगे, उसी को हम नेक्स्ट क्लास में 7 PM पे कंटिन्यू कर देंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। विल बी मीटिंग फॉर दैट PIB एनालिसिस एट 10:15 AM। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस सेशन, ओके, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस सेशन सो दैट एवरीबडी नोज कि दैट वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस सीरीज। सो ग्रेट, ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स मीट इन दिस PIB एनालिसिस।